कटिहार के बारसोई अनुमंडल के आदबपुर थाना अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बारी योल जो कि पश्चिम बंगाल के निकट है, वहां शुक्रवार के दिन छात्र छात्राओं को एमडीएम नहीं मिलने से स्कूल प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। छात्रों ने प्रधान अध्यापक के खिलाफ नारेबाजी भी की, इतना ही नहीं स्कूल बाउंड्री को भी तोड़ डाला। प्रधान अध्यापक पर उचित कार्रवाई की मांग पर छात्र छात्रा डटे रहे। वही घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलजार ने स्कूल पहुंचकर छात्र छात्रों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों द्वारा उनको एमडीएम नहीं दी जाती है, एक दिन देते हैं दूसरे दिन फिर बंद कर देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन शिक्षक पढ़ाने के बजाय हम लोगों से अपना पैर दबवाते हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। वहीं इस संबंध में जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलजार ने बताया कि छात्र छात्राओं को एमडीएम क्यों नहीं मिल रही है, इसमें जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार छात्र छात्राओं के पढ़ाई के साथ साथ खाने के लिए एमडीएम दे रही है लेकिन छात्र छात्राओं को प्रतिदिन एमडीएम का खाना क्यों नहीं मिल रहा है। उसके लिए तुम लोग इनाम भी मिलेगा, तुम लोग आंदोलन करते रहो। अच्छा ठीक है, चावल भी है, चावल भी है, कहाँ पे चावल, चावल कहाँ है, चावल कहाँ है, चावल कहाँ है, चलो दिखाओ चावल कहाँ है। छात्रों का उग्र होने का कारण क्या है, इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी के समक्ष रखी जाएगी, जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं इस संबंध में शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद ने फोन पर बताया कि मामले की जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। वहीं इस संबंध में प्रधान अध्यापक गोपेन चंद्र राय ने बताया है कि जितने भी आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। खाना नहीं खिला रहा है? अच्छा स्कूल में दाल चावल सब है फिर भी खाना खिला नहीं रहा, इसीलिए तुम लोग इसे तोड़फोड़ कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। आईवी टीवी देखता है इंडिया।